राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में ग्राहकों का टोटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपके साथ खड़ी है, कांग्रेस राष्ट्र विरोधी और आतंकवादियों के साथ खड़ी है, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान कहकर जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। क्या आतंकवादियों के साथ खड़ी है, क्या कांग्रेस पार्टी अलगाववादियों के साथ खड़ी है, ये कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। ये मोहब्बत की दुकान कहकर देश के लोगों के आंखों में झूल धोकना बंद करें। आज जिस प्रकार से ग्राहकों का टोटा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाके खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, तो ये आज इनके हालात क्या हैं ये बताता है कि आज जो जिस आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जो जेल में रहे उनके साथ खड़े हैं, जो अलगाववादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र के साथ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई दिख रही है। जशपुर में नदी के तेज बहाव में महिला बह गई। नदी पर कपड़े धोने महिला गई हुई थी और पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ। महिला गिर गई और बह गई। गोताखोरों की टीम पहुंची है मौके पर और महिला की तलाश की जा रही है। बेटी के साथ नदी पर ये महिला गई हुई थी और कपड़े धोने के दौरान हादसा हुआ, पैर फिसला और महिला सीधे नदी में जा गिरी।